पापा को बताए बिना बेटी कर रही है शादी की प्लानिंग। पापा मम्मी से बिना परमिशन के बेटी ने बना लिया शादी करने का मन। पापा को बताए बिना बेटी कर रही है शादी की प्लानिंग। पापा मम्मी से बिना परमिशन के बेटी ने बना लिया शादी करने का मन। हिंदू रीति रिवाज से नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड के धर्म के अनुसार सोनाक्षी सिन्हा करना चाहती है शादी। बेटी की शादी की खबर से नाखुश दिखे पापा शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ, सही सुना आपने, सोशल मीडिया पर शत्रुघ्न सिन्हा का बयान काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। क्या अपनी बेटी की शादी के फैसले से खुश नहीं है शत्रुघ्न सिन्हा? बेटी को लेकर शत्रुघ्न ने किया चौंकाने वाला खुलासा। सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में छाई हुई है। रिपोर्ट की माने तो सोनाक्षी सिन्हा अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ 23 जून को शादी करने वाली है। हालांकि सोनाक्षी और जहीर की तरफ से इस पर कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। इस बीच अब पापा शत्रुघ्न सिन्हा का इस तरह का बयान सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा का बयान अब सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। आखिर बेटी को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा, बताते हैं आपको। हाल ही में शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं अभी दिल्ली में हूँ, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद मैं यहाँ आ गया। मैंने अपनी बेटी के प्लान्स के बारे में किसी से बात नहीं की है, तो आपका सवाल ये है कि क्या वे शादी कर रही है? उसका जवाब ये है कि उसने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आजकल के बच्चे माँ बाप से पूछते नहीं है, बस आकर उन्हें बताते हैं। हमें तो बताए जाने का इंतजार है। मैं भी उतना ही जानता हूँ जितना मैं मीडिया में पढ़ता हूँ। यदि वे मुझे विश्वास में लेती है तो मैं और मेरी पत्नी दोनों को अपना आशीर्वाद देंगे। हम कामना करते हैं कि वे हमेशा हमेशा खुश रहे। आगे उन्होंने कहा, हमें अपनी बेटी के फैसले पर पूरा भरोसा है। वे कभी भी संविधान के बाहर या गैर कानूनी फैसला नहीं लेंगे। एक एडल्ट के तौर पर उसे अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है। वेल, अब शत्रुघ्न सिन्हा का ये बयान काफी वायरल हो रहा है। खैर, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि कपल अपनी शादी पर कब रिएक्ट करते हैं। रिपोर्ट इन 24 न्यूज मुंबई।